वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनो वाछाकृवश कृपा सिंधुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव बृंदावि तुलसीदेव वै पिया वै केशव सच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगद्गुरुं धैर्यं सदा परिभवन्म अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चन्तं शरण्यं भीतातिहं पनतपालभवद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजीतगुमिगवोदूषदर्शी पूर्णानुरागरसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदाकृपाकरोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानन्द श्रीअद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तबिन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताशु विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाम्बुधारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च तदासि नित्यं भावान रूपेन सदा धरानं गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषि तवाम भागं नारायणो प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कलो न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजं पायेनमर्ता भगवन्तमच्युतं यक्षन्ति पसन्नविभिन्नचेतसा कलो न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजं प्रायेनमर्ता भगवन्तमच्युतं यक्षन्ति पसन्नविभिन्नचेतसा गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए जिन लोगों का भगवत अनुभूति है, जिन लोगों का अंदर में भगवत अनुभूति है, एकमात्र जो व्यक्ति का अंदर में भगवत अनुभूति है, भगवत दर्शन किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये लोग प्रचार करने में जा सकता है। कौन लोग प्रचार कर सकता है, इस प्रश्न के उत्तर में प्रभुपाद जी ने बताया, जिन लोगों का भगवत अनुभूति है, जो लोग भगवान का दर्शन किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये लोग प्रचार कर सकता है। क्योंकि प्रचार के लिए विशेष बात ये है, जिसका सामने प्रचार किया जाए उसका अंदर में सद आचरण, जो सद आचरण है, सत शिक्षा सत आचरण, ये स्थापन करना जरूरी है। मतलब जिनका सामने प्रचार हो रहा है उसका हृदय में सदगुरु जो है वो प्रचार करने का साथ साथ उसका हृदय में एक इम्प्रेशन दे सकता है आचरण। इसलिए वायु पुराण में लिखा गया, अचिनोति यः शास्त्रार्थम् आचार्य स्थापित योगी, अचिनोति यः शास्त्रार्थम् आचार्य स्थापित योगी, जो अपना जीवन में जो शास्त्रों का जो सिद्धांत विचार, शास्त्रों का जो आदेश है, अपना जिंदगी में पालन करके दूसरे का हृदय में भी ये स्थापन करने के लिए इसका अंदर में शक्ति है। अचिनोति यः शास्त्रार्थम् आचार्य स्वयं, अचिनोति यः शास्त्रार्थम् आचार्य स्थापयति योगी, स्वयं आचरति यस्मात् आचार्योस्तेन कृतः। शास्त्रों का सिद्धांत, शास्त्रों का विचार, शास्त्रार्थों सम्यक रूप से ग्रहण करके दूसरे का हृदय में भी स्थापन कर सकता आचार आचार्य, और स्वयं शास्त्रों का आदेश आचरण करने के कारण इसका नाम आचार्य है। आचार्यों का ये डेफिनेशन है, अचिनोति यः शास्त्रार्थम् आचार्य स्थापयति योगी, स्वयं आचरति यस्मात् आचार्योस्तेन कृतः, इसको ही आचार्य बोला जाता है। पोपा जी ने बताया, ऐसा माफी कोई महान गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, वास्तव अनुगत्य में कोई अगर पुचार में जाए तो जा सकता है, उसका अनुगत्य में, उसका कंट्रोलिंग में अगर संभव है तो जाए, ठीक है। श्रील व्यासदेव जी स्वयं पूर्ण पुरुष भगवान का साक्षात्कार, जब भी ये सत्तावेश अवतार है वो बात कह रहे हैं, श्री व्यासदेव जी पूर्ण पुरुष का साक्षात्कार का बाद भगवान को देखे हैं, और माया भगवान का पीछे सर झुकाकर नमन करती है, कर रही है,
सो व्यासदेव ऐसा भागवत जी महापुराण को भागवत का जो वाणी है प्रचार किया। आत्माराम सुखदेव ये भी व्यासदेव जी का अनुगत में प्रचार किया। नवजोगेंद्र आदि सब बड़े बड़े महात्मा लोग आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है। सो आत्मधर्म का कथा प्रचार इन लोगों के लिए संभव हुई। आत्मधर्मों का विषय में प्रभुपाद जी ने बताए, भागवत श्रीमद् भागवत भक्त श्रीमद् भागवत भक्तों, एक श्रीमद् भागवत भक्तों का जिंदगी में हो सके कि गौर किशोर बाबाजी महाराज बाहरी दृष्टि में भागवत कथा प्रचार के लिए नहीं जा रहे, लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया भागवत जी का जो सार वस्तु है तमाम श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जिंदगी में इन अप्लाइड फॉर्म देखा गया, प्रकाशित देखा गया। मतलब भागवत भक्त तो ग्रंथो भागवत और भगवत भक्तो जो है दोनों में भगवत भक्तों का स्थान ऊपर, क्योंकि ग्रंथो भागवत रहने से भी भगवत भक्तवा का नहीं है भक्त भागवत तो कौन प्रचार करे। महाप्रभु प्रभुपाद जी ने बताए परम पुरुष जे सब महापुरुष लोग है, परम मुक्त पुरुषगण हरि कथा प्रचार करना ये लोगों का ही काम है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए वैकुंठ पार्षदगण जो है भगवान का निजीजन छोड़ के भगवान का कथा कोई नहीं बोल सकता, भक्ति में ठाकुर जी ने बताया। हरि कथा भगवत कथा कोई नहीं बोल सकता। श्रीमान महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और इन लोगों का जो पार्षद है हर जगह हरि कथा प्रचार किए हैं। हरि कथा सुनते सुनते हम लोगों का जिंदगी में बहुत सारे प्रश्नों आ सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से हरि कथा श्रवण जो है गुरु वैष्णव का वास्तव अनुगत्य में ही संभव है। मतलब कहने का मतलब है श्री गुरु वैष्णव का कृपा से ही भागवत कथा हरि कथा ये हृदय में बैठ जाता है। गुरु कृपा के अलावा गुरु वैष्णव कृपा के अलावा हरि कथा हृदय में बैठता नहीं, कोई समाधान होना संभव नहीं। अभी ये प्रश्न आता है चैतन्य चैतामितों में श्री सनातन गोसाई और हरिदास ठाकुर का अंदर में थोड़ा चर्चा हुई थी बहुत पहले, अपने आचार्य के हो ना करे प्रचार, प्रचार करें के हो ना करे आचार, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगतेर आर्य। यह प्रसंग चल रहा है, कोई आचार करता है कि लेकिन प्रचार में नहीं जाता है, और कोई प्रचार कह रहे तो आचरण नहीं है, और आचार और प्रचार दोनों ही हरिदास ठाकुर का अंदर में है, तो सर्वगुरु और जगतेर आर्य। महाप्रभु का सिद्धांत तो विचार ये है तुम ही सर्वगुरु तुम ही जगतेर आर्जो, मतलब ये सबसे बड़ा गुरु है। महाप्रभु का विचार है जय जन कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, और महाप्रभु का और विशेष आदेश है, महाप्रभु का विशेष आदेश है
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु होइया तारो ई देश। महाप्रभु का आज्ञा है, महाप्रभु का आज्ञा है। ये गौड़ियो परंपरा में है, गौड़ियो सिद्धांत विचार जो है हमारा, गौड़ियो एकमात्र गौड़ियो संप्रदाय में महाप्रभु का जो ये जो आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश, मतलब महाप्रभु जी ने सब कोई को कृष्ण उपदेश करने के लिए आदेश किया, लेकिन उसका पहले गुरु का आसन में बैठने का योग्यता जो है, गुरु होइया तारो ये देश। पिछले कई दिनों से जो चर्चा होते आ रहा है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकता। इसमें एक प्रश्न है, अगर गीता श्रवण कारी का अधिकार निर्णय प्रसंग में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने उपदेश महाप्रभु भगवान श्री कृष्णों का जो परंपरा का नियम संबंध में जो खुलासा किया, संप्रदाय प्रवर्तन का नियम के बारे में, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आता है। पहला बात ये है, जो सब विचार हरिभक्ति विलास से देखा है और यहाँ तक कि श्री सनातन गोस्वामी जी का जो सिद्धांत विचार है, विशेष करके जो श्लोक है, उधर बताया गया कौन सी श्लोक है, ये जो क्या नाम है, जो भक्ति अन्नयेन श्रृणति य तो उभो व्रजत निरयम कालम अक्षयम। इस श्लोकों का जनरल साधारण व्याख्या जो है, इस बारे में चर्चा की, जो सिद्धांत का बहिर्भूत बात कर रहा है और जो लोग सुन रहा है शास्त्रों का खिलाफ, ये दोनों को ही अनंत काल के लिए नरक में जाना होगा। और दूसरा एक विचार सनातन गोसाई जी ने बताया, सनातन गोसाई जी ने बताया मतलब महाप्रभु जी ने बताया, सनातन गोस्वामी जी ने बताया, जो व्यक्ति बिना कोई परीक्षा विचार किसी को मंत्रों का उपदेश, मतलब हरिनाम महामंत्र दीक्षा आदि तत्व ज्ञान संबंध ज्ञान देने का प्रयत्न करे, जो गुरु दे रहे हैं और जो ले रहा है बिना कोई योग्यता, तो दोनों को ही सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है इसका लिए बड़ा भारी पनिशमेंट लिखा है। अभी ये प्रश्न आता है, महाप्रभु का विचार ही सनातन गोस्वामी से हृदय से निकाला हुआ है, क्योंकि महाप्रभु जी ने कभी भी किसी का साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, महाप्रभु जी ने कभी भी किसी का साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन एक बात आता है इधर, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नित्यानंद प्रभु अर्थात अनंत देव भगवान का प्रथम प्रकाश विग्रह और गुरु तत्व का आकर है, इन्होंने तो महाराज बहुत सारे क्षमा करने का कृपा करने का और ज़्यादा रास्ता दिखाया, यहाँ तक कि भागवत आदि श्रीमद भागवत जी महापुराण में विचार आता है, ये दुर्योधन जैसा इतना दुष्ट आदमी महाभारत में है और भागवत जी महापुराण में है, दुर्योधन जैसा इतना दुष्ट आदमी, इसका लिए भी मंगल सोचता है हमारा बलदेव जी महाराज, जो भगवान क्षमा नहीं करता,
बलदेव जी महाराज क्षमा करते हैं। और नित्यानंद प्रभु जगई माधाई का क्या योग्यता था, कृपा किया है। सो ये सब जो है ये सब स्पेशल केस है। गीता श्रवण का अधिकारी कौन है और परंपरा का शुद्धि, परंपरा का प्रवर्तन कैसे होनी चाहिए, भगवान ने स्टैंडर्ड बात बताए। लेकिन गौरीय विचार के अनुसार कोई अगर कहे ये महाराज हमारा गुरु वर्गो जो है इन्होंने तो बहुत सारे पतित आदमी को कृपा किया है, इन्होंने तो इतना, और यहाँ तक कि कीर्तन में भी है, कीर्तन में भी है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारो। योग्यता विचार में अगर कुछ नहीं मिले चलेगा, लेकिन शरणागति होनी चाहिए, क्योंकि शरणागति के द्वारा कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारे, और गुरु भक्त गुरु गुरु भक्त गुरु का शिष्य जो है शिष्य के अंदर में गुरु का तमाम गुणावली आ सकता है, ये विशेष बात है। और शरणागति अगर है इसी को ही सबसे बड़ा क्वालिटी माना गया गौरीय विचार का अनुसार। शरणागति अगर किसी के अंदर में है तो जितना साले पहले दुर्गुण था इसका भी कोई चिंता नहीं, शरणागति आ गया तो सब कुछ बहुत कुछ हो सकता। तो गीता का अधिकार निर्णय प्रसंग पहले ही प्रश्न आता है, तो ऐसा अगर विचार किया जाए तो कोई गीता सुनने का लायक ही नहीं रहेगा, तो क्या विचार है। भगवान ने गीता श्रवण का जो अधिकार निर्णय का प्रसंग उत्थापन किए ये स्टैंडर्ड, ये तो ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, ये ठीक है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में जो गीता का जो लास्ट उपदेश जो है अंतिम, जो शरणागति होने से सब सिद्ध हो जाता है, ऐसा मापिक होने से भी चलेगा। गीता बाजार से खरीद करके कोई पाठ करे ये कर सकता है, गीता का बारे में अगर कोई अगर आपस में डिस्कशन करे कर सकता। मेटेरियल आदमी जिसका गीता का डायरेक्ट अनुभव नहीं है वो गीता का बारे में लेक्चर भी दे सकता। जो भगवान में विश्वासी नहीं है, निर्गुण ब्रह्म, जैसे सर्वपल्ली राधा कृष्णन निर्गुण ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म का विचार बताता, वो भी गीता का व्याख्या किया। गोपीनाथ दिलित जो सबसे बड़ा, जिसको काशी का चलता फिरता विश्वनाथ माना जाता था, जिसका सामने सर्वपल्ली राधा कृष्णन आदि बड़े बड़े पंडित लोग जाते थे, सारे गीता का व्याख्या लिखा। इसका बारे में कोई रोक टोक है, कुछ तो है नहीं, कुछ भी बात बता सकता है। और इन लोगों का गीता एक्स मिशन वाई मिशन, ये लोगों का गीता पाठ करके वो मायावादी हो जाएगा। ये गीता का कोई समझ में नहीं आएगा। गीता समझने के लिए शिला भक्तिविनोद ठाकुर को फॉलो करना है, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बलदेव विद्याभूषण लोग, कि भगवान का जो निजी जन है, भगवान का जो निजी जन है ये गीता का बारे में बोल सकता। तो ये तो हमारा भक्तिविनोद ठाकुर बलदेव विद्या ये छोड़ के गीता का सबसे बड़ा अनमोल उपदेश गुप्त सिद्धांत तो कोई नहीं बता सकता। इसमें तो कोई रोक टोक है नहीं, कोई भी कर सकता, करे कौन रुकने जाएगा। लेकिन जहां तक गीता का उपदेश का मामला है, इधर ये जो उपदेश है जो भगवान कहना चाहा ये है गीता उपदेश का माध्यम दिव्य ज्ञान का फ्लो चलते रहे, मतलब एक संप्रदाय जैसा ऐसा ही। अगर यहां दिव्य ज्ञान प्रकाश का मामला है, क्वेश्चन है,
तो भगवान श्री कृष्ण जो बोला है ऐसे ही पालन करना चाहिए। आगा दिव्य ज्ञान उन्मेष का विषय प्रसंग है, जो दीक्षा का मूल मंत्र है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इस विषय के बारे में भगवान का जो आदेश है ये पक्का है, इसमें कोई भूल नहीं है। फिर भी अगर कोई बोले जे भगवान का इस विषय में तो उतना करुणा नहीं है, तो भगवान का करुणा नहीं है, किसी आचार्यों ने करुणा करके दिया, उल्लंघन करके भगवान का जो आदेश है ऐसा मापिक आदमी को मत दो, इसका बारे में चर्चा हुई। जो कोई अगर ज़्यादा कृपा है भगवान से भी ये बोल के अगर किसी को गीता का उपदेश करे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताया ये एडासिटी, इसका ये धृष्टता का लिए भगवत चरण में अपराधी हो जाएगा। बहुत आदमी ये भी पूर्व पक्ष कर सकता है, धर्म शिक्षा का बारे में इतना योग्य अयोग्य का विचार करने से कोरोना का विरोध हो जाता है, कहाँ कोरोना है, कोरोना आदि फैक्टर का साधु का। लेकिन इसका विचार में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताए हैं, वस्तुतः ये गीता का मर्म सार वस्तु ये योग्य पात्रों में उपदेश देने से ही इसका रिजल्ट निकल सकता है, अयोग्य व्यक्ति को देने से कुछ नहीं होता, इसका उदाहरण भी दिया था। अभी ये प्रश्न आता है जय श्रीमन महाप्रभु जी ने जो बताया जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, ये क्या गीता का उपदेश भी एका गीता का उपदेश से ज्यादा है कि कम है? महाप्रभु जी ने बताया कृष्ण तत्व का उपदेश, गीता का उपदेश सुनने का साथ साथ शरणागति फाइनल चीज है, सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं भजो, और शरणागत होने का साथ साथ भगवान का तत्व विज्ञान हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता, ठीक एक ही बात है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो ये आदेश है जो जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश अमार आज्ञाए गुरु होइया तारो यही देश, चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश पालन करते हुए एकमात्र गौरांग महाप्रभु का निजीजन है, एकमात्र गौरांग महाप्रभु का जो निजीजन है, ये लोगों ने अगर ऐसा करके अर्थात एक साल का परीक्षा के बिना दीक्षा, पोपा जी ने ऐसा किया है, बहुत भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी किया है ना, ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करने के लिए ये लोग किया है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करने के लिए किया है। जैसे एक उदाहरण प्रताप रुद्र कहते हैं जे ये लोग भक्त लोग जो पुरुषोत्तम धाम में आए हैं तो अब तो इधर का नियम है मस्तक मुंडन करो और उसका बाद उपवास करो, तो सार्वभौमटे जी जो गोपीनाथ आचार्य जो ये सब कह रहे हैं कि ये तो वेदों का आदेश है, ये तो वेदों का आदेश है, लेकिन यहाँ भगवान साक्षात ये आदेश कर रहे हैं, तो क्या क्या करे, भगवान साक्षात खड़ा होकर ये आदेश कर रहे हैं, तो इसी को पालन करना, इसी में लाभ है। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए प्रभुपाद जी का एक विशेष विचार जो सुनना जरूरी है। प्रभुपाद जी ये बात को हम दी प्रभुपाद एंड हिज यूनिक आचार्य सी इसमें बहुत बार चर्चा की, इस चर्चा में इस विषय के ऊपर एक दफे कोई एक नौजवान व्यक्ति लड़का प्रभुपाद जी को प्रश्न किया था कि आप क्यों बोल रहे हो श्री गौरी मठ इज द ओनली वे टू गॉड, वंस बीइंग आस्क्ड बाय ए यंग मैन इन दिल्ली। एक लड़का ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी को, व्हाई डू यू क्लेम दैट श्री गौरी मठ इज द ओनली वे टू गॉड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो लगता है कि प्रिजुडिशियल आइडिया है, इतना संकीर्ण विचार लगता है। प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दी
पापा जी ने उत्तर दी, इज देयर, है ना, लड़का ने बोला क्या उधर क्या और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, इज देयर नो अदर वे एट ऑल। पापा जी को प्रश्न किया क्यों आप ऐसा बोला, गोरिया मठी एकमात्र है। सेले पापा जी ने बोला, पापा जी ने उत्तर दिया, डू यू थिंक दैट देयर इज एनी अदर पाथ वे टू गॉड देन द एसोसिएशन ऑफ दोज हुम गॉड हेड हिमसेल्फ हैज सिलेक्टेड फॉर हिज सर्विस। मतलब ये है, पापा जी का उत्तर क्या है, पापा जी ने उत्तर दी, क्या आप हैं, आप कैसे सोच रहे हो कि भगवान के पास जाने का दूसरा भी रास्ता है, कैसे आप सोच रहे हो, क्यों भगवान ने अपना जो परिकर है, एसोसिएट्स है, ये लोगों को अपना सेवा में लगा दिया, होम गॉडेड हिमसेल्फ हैज सिलेक्टेड फॉर हिज सर्विस। भगवान अपना सेवा के लिए जिन लोगों को सिलेक्ट करके जगत में भेजा है, गौरिया मठ में, ये लोग छोड़ के भगवान के पास जाने का दूसरा कोई रास्ता है, आप सोच क्यों रहे, कैसे आप सोच लिया। पापा जी का ये उत्तर का माने क्या है, पापा जी ने बोलना चाहा, जो पापा जी का वास्तव अनुगत्व किया, जो वास्तविक अर्थ में सिद्धर गोस्वामी महाराज कैसे कि जो लोग प्रभुपाद का चरण में सब कुछ दे दिया, तन मन जीवन गुरुपद आरवन जिसका लिए सारे दे दिया, ये लोग कोई साधारण आदमी नहीं है, ये लोग प्रभुपाद का विचार का अनुसार सिलेक्टेड आदमी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अपना सेवा के लिए, अर्थात भगवान का कथा दिव्य ज्ञान का, यू नो, दिव्य ज्ञान का उन्मेष कराना किसी के हृदय में, इस सब सेवा के लिए भगवान अपने आप ये सिद्धांत तो करके अपना निजीजन को भेजा है। तो इस विचार के अनुसार अगर देखा जाए कैसे हम हार्मोनाइज करें, एक विचार है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं और सनातन गोस्वामी जी बात कह रहे हैं, जो विचार, इदंते न तपस्कायो न भक्तायो कदाचनो न चाशु सुबे वाच्यम न चौमंग जो अभ्यस्यत, इसका विचार हो चुका। इसमें हार्मोनी क्या है, पोपात का जो ये जो सिद्धांत विचार है, जे भगवान अपना निजीजन को गौरियमठ में भेज दिया पोपात का सेव सेवा, ये कोई गप नहीं है, ये कोई गप नहीं है। शायद आप लोगों को मालूम है, जब प्रभुपाद को आदेश किया, प्रभुपाद जब कोटि नाम यज्ञ कर रहे थे चैतन्य मठ में ब्रजपत्तन में, तो पंचतत्व का साथ गुरुवर्ग आके आदेश किया, आप प्रचार में जाओ। प्रभुपाद जी ने बोला, हम प्रचार में कैसे जाए, हमारे पास लोक बल नहीं है, अर्थ बल नहीं है, कुछ नहीं है, हम कैसे प्रचार करें। तो गुरुवर्गों ने गोप एवं पंचतत्व सारे आशीर्वाद करके बताए, तुम्हारा पीछे सब आ रहा है, तुम प्रचार करो। तो इसके द्वारा ये विचार बनता है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व एवं गुरुवर्ग जो है साक्षात आदेश की है प्रचार करने के लिए। तो प्रचार करने के लिए, प्रचार का मतलब हमने बोला दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार। तो पोपा जी ने प्रचार करने के लिए गौरंग महाप्रभु का आदेश का अनुसार प्रेरित होके किया है। इसमें बहुत सारे हमारा गुरुवर्ग है, एक साल का प्रतीक्षा नहीं किए, बहुत दिया है, इसमें हो सके फॉर मैसिव प्रीचिंग के लिए किया है। इसमें बहुत सारे मंगल भी हुआ है, बहुत सारे जीव का, आप बहुत सारे नुकसान भी हुआ है बहुत सारे आदमी का, पर कंपेरेटिवली मंगल ही ज़्यादा है। जो भी है ऐसा विचार है। सो पोपात का विचार का अनुसार
प्रभुपाद का विचार मतलब गौरंग महापूजा आदेश किया है ये जारे देखो तारे कहे कहो कृष्णोपदेश, तो इसमें हमारा क्या गुरु हो गया, मतलब गुरु हो जाओ और उसका बाद गुरु मतलब आचरण रहे, उसका बाद महाप्रभु ने एक विशेष शक्ति भर दिया उस समय में, एक अद्भुत आश्चर्य चीज, महाप्रभु जी ने किसी को कृपा करके छोड़ दिया वो तू जा, वो व्यक्ति जाके गांव में प्रचार करे, महाप्रभु का शक्ति स्वयं महाप्रभु ने मैसेज प्रीचिंग के लिए ऐसा किया। ये हर वक्त हर समय में एप्लीकेबल नहीं है। चैतन्य चैतन्य तो पाठ करे वहां देखना, ये आश्चर्य चीज है। चैतन्य महाप्रभु किसी को कृपा करके उसका पूरा विपरीत मूड, उसको महाप्रभु जी का विशेष कंसेशन कृपा करके शक्ति संचार करके उसको छोड़ दिया, वहां लिखा है। वो जाके प्रचार करना शुरू कर दिया और उसका पीछे हजारों आदमी उसका जो कृपा है वो ले रहा है। एक विशेष एक बात है इसमें, लेकिन ये हर काल के लिए हर वक्त एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी शिल भक्तिविनोद ठाकुर, शिल प्रभुपाद इन लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो आज्ञा है, आज्ञा तो आलतू फालतू आदमी तो ले नहीं सकता, कोई आलतू फालतू आदमी जी का आचरण नहीं है कुछ नहीं है वो कैसे लेगा महाप्रभु का ये आदेश। तो आदेश लेने के लिए प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर ये लोग दिया है और मैसेज प्रीचिंग किया भी है, ये कर सकता, एक महाप्रभु का आदेश है, महाप्रभु का आदेश का अनुसार किया। जारे देखो तारे को कृष्णोपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया, तारो महाप्रभु जी का आज्ञा है इसीलिए। लेकिन ये जो है हर गुरु ऐसा मापिक प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर का मापिक करना शुरू कर दे, ये संभव नहीं, असंभव है। केशव गोस्वामी महाराज, सिद्धर गोस्वामी महाराज, हो सके जो व्यक्ति दीक्षा लेने का बावजूद पतन हो गया, ऐसा बहुत है। ये लोगों को भी सिद्धर गोस्वामी महाराज जी ने बताए, जो अगर भजन करते करते फिर माया पकड़ा गिर गया, उसको भी परम सिद्धर गोस्वामी महाराज जी ने बताए, सदगुरु इसी जन्म में नहीं तो किसी जन्म में इसको ठिकाना पे लगा देगा, इसके लिए कोई चिंता नहीं। सिद्धर गोस्वामी कहते थे ऐसा माफिक महान वैष्णव जो महाप्रभु जी का सिलेक्टेड आदमी है, सिद्धर गोस्वामी केशव गोस्वामी ये सब जो है प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर, ये लोगों के लिए कोई विचित्र नहीं है। अगर कोई संबंध बना लिया थोड़ा उसका बाद फिर गिर गया, तो सिद्धर गोस्वामी महाराज जी ने बताया फिर कभी ना कभी इसको सदगुरु, इसको अगर थोड़ा बहुत संबंध भी होगा उसको नरक से फिर उठाएगा, धीरे उठाएगा। बहुत सारे आदमी का ऐसा गलत भावना है, बहुत सारे आदमी सोचता है कि महाराज भगवान गीता में बताया समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रियः जे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। भगवान ने विशेष विचार बताया समो अहम सर्वभूतेषु, हर जीवों का विषय में मेरा विचार में कोई इनजस्टिस नहीं है, मेरा विचार में समदर्शन है। भगवान ने बताया समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिय, कोई मेरा विद्वेष का पात्र भी नहीं है, कोई मेरा प्रिय ऐसा भी नहीं है, मैं तमाम जीवों के लिए समोहम सर्वभूतेषु हमारा समान दृष्टि है, सब जीवों के लिए मेरा समान दृष्टि है। ये जो बताया ध्यान देना समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिय, ये जो बताया इट इज जेनरल रूल, ये साधारण नियम है, ये जेनरल रूल सबको के लिए एप्लीकेबल, किंतु विशेष नियम एक है वो क्या है, जे भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चापि हम,
जे लोग हमको भक्ति योग के द्वारा भजन करता है, ये लोग मेरा हृदय में स्थान ले लेता है, हम भी ये लोग के हृदय में बैठ जाते, ये विशेष नियम है। तो जैसे जनरल नियम है, समह सम अहम सर्वभूतेषु न मे देश देशोस्ति न प्रियः, और उसका बाद ठीक नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, जे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। और ये जो विचार है तो इसमें जब इन जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, सेकंड जो है स्पेशल रूल्स, और गीता का बहुत सारे श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणायम साधूनाम विनाशय च दुष्कृतम। तो क्या बात है इधर, परित्राण साधुनाम विनाशय च दुष्कृतम, क्या इसके डिस्क्रिपेंस नहीं है, इसमें असम भाव नहीं है भगवान का, ये क्या बता रहे। ये जो भगवान ने बोला विनाशय च दुष्कृतम, ये जो भगवान ने बताया कि हमारा भक्त लोगों के बचाने के लिए और दुष्ट व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को है ना विनाश करने के लिए मेरा अवतार, क्या इसमें क्या विषम भाव नहीं है, डिस्क्रिपेंसी? बोले नहीं है, क्योंकि भगवान का कृपा, जैसे गुरु वैष्णव का बहुत पहले भी चर्चा की, गुरु वैष्णव का अंदर में कृपा करने का और शासन करने का दोनों अधिकार है समान, आप दोनों को ही अलग रूप से कोई देखा जाए, एक जैसे कृपा को भले ये ठीक है, लेकिन गुरु का पनिशमेंट अनुग्रह निग्रह, पोपा जी ने कई बार कहा वास्तविक सद्गुरु का हृदय में इतना करुणा है कि उसका अनुग्रह और निग्रह समान है, यहाँ तक कि निग्रह और ज्यादा। जैसे नित्यानंद जी ने 1,00,000 लगाया शिवानंद सेन का छाती पे, क्यों इतना देर कर दिया, मैं भूखे मर रहा हूं नित्यानंद प्रभु ने, लेकिन शिवानंद सेन ने हंस दिया बहुत जोर से, बोले कितना कृपा, कितना कृपा आपने किया, आज मेरे को आपने स्टैंप दे दिया, अपना कृपा का पूरा स्टैम्प दे दिया आपने, कृपा किया। वृंदावन दास ठाकुर जी ने बोला इतना समझाने का बाद भी अगर ना समझे तो उसका बाद उसका सार पे लाठी मारे, तो लाठी जो है प्रभुपाद जी ने बताया ये ज्यादा कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। कृपा करके किसी को ऊपर वृंदावन दास ठाकुर महाराज अगर लाठी मारे तो यूं समझ लो उसका हो गया बेरा पार, बेरा पार तो दूर की बात है, प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाएगा, भाई इतना ऊंचा वृंदावन दास ठाकुर का कृपा। तो साधारण आदमी ये समझता नहीं, सदगुरु का अंदर में जैसे अनुग्रह निग्रह दोनों का ही क्षमता है, ऐसे भगवान का अंदर में अनुग्रह निग्रह दोनों का ही क्षमता है, और दोनों ही विषय में भगवान इम्पार्शियल, पनिशमेंट अगर दे ये भी कृपा, लेकिन किसी कोई आदमी अगर उल्टा करके इसको गुहन करे तो भगवान का करने का कुछ है नहीं। समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो सिनोप्रिय, भगवान कह रहे हैं मेरा कोई विदेशी नहीं है, मेरा कोई प्रिय नहीं है, सर्वभूतेषु है ना, समो अहम सर्वभूतेषु। तो अनुग्रहाय साधुनाम विनाशाच दुष्कृतम, तो ये विचार कैसे आ गया, आप अगर समदृष्टि संपन्न है तो भक्त लोगों को उद्धार कर लिए और दुष्ट व्यक्ति को विनाश करने के लिए, बोले भगवान का ये भी कृपा है, ये भी भगवान का करुणा है, जिस अवस्था में भगवान रखे जैसा भी शास्ति दे ये कृपा ही है और कुछ नहीं।
जो लोग भक्ति योग का आश्रय लेके मेरा भजन करे, ये लोग के लिए मेरा विशेष फर्ज बनता है, ये लोग के लिए मेरा विशेष अटेंशन है, विशेष कृपा है। तो सब जीवों के लिए समदर्श तो है ही है। भगवान का कोई विदेशी बा मित्रों कुछ नहीं, कोई नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अभी ये प्रश्न आता है, बहुत सारे आदमी ने ये प्रश्न करता है, हमने उत्तर भी दिया अभी, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए, इसके शरणागति रूप जो वाइटल योग्यता ये अगर आ जाए, बाकी योग्यता ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कोई चिंता नहीं। तो योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा कोरोना सारो ठीक है, लेकिन ये जो कृपा है, ये कृपा का मतलब क्या है? कृपा कृपा का मतलब है किसी जीवा को किसी जीवों का अंदर में भक्तिन्मुखी सुकृति का जागृत करना, भक्ति उन्मेष करा देना। भक्ति का उन्मेष कराना किसी का अंदर में। भागवत जी महापुराण में भी ये सब आता है, सवई पुंसाम यतो धर्मो, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। यह जो अहेतु की है, इस बात को लेकर बड़ा झंझावात। अहेतु की कृपा, गुरु वैष्णव का जो अहेतु की कृपा, भगवान का अहेतु की कृपा, इसको लेकर बड़ा है ना, पूर्व पक्ष पर पक्ष बहुत चलते आ रहा है, बहुत हंगामा। कोई आदमी कहता है ये इसका माने है, इसका माने क्या है कि जो अहेतुकी, बोले अहेतुकी मतलब कोई कारण नहीं है, अहेतुकी मतलब ये लोग बताते हैं कोई कारण नहीं है, अहेतुक मतलब तो यही आता है, इसी यही तो माने होता है ना, अहेतुक मतलब बिना कोई मतलब। अगर ऐसा मीनिंग अगर पकड़ा जाए तो अहेतुकी कृपा जो है हर आदमी के लिए क्यों प्राप्त तो नहीं होता? अगर गुरु वैष्णव भगवान का कृपा अहेतु की है सबको के लिए, तब मंजूर होना चाहिए, होनी चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों? अहेतु की शब्दों का अगर ऐसे माने किया जाए, कोई कारण नहीं है, ठीक है, कोई कारण नहीं है, ठीक है, तो हर कोई को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। भक्ति के लिए विशेष एक सिचुएशन है, और भगवान जैसे सराट पुरुष, भगवान जैसे सराट पुरुष, भगवान जैसे सराट पुरुष किसी के अधीन नहीं है, भगवान किसी का अधीन नहीं है, भगवान सराट पुरुष। ऐसा ही भगवान जैसे सराट पुरुष है, भक्ति भी, भक्ति का भी ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं चलता, चलती है भक्ति का ऊपर भी कोई कंट्रोलिंग नहीं चलती है। जैसे भगवान सराट है, भक्ति देवी भी उसका, भक्ति देवी का ऊपर भी कोई स्वरूप शक्ति, भगवान का, भगवान का जो स्वरूप शक्ति, ये ऐसा ही किसी का कंट्रोलिंग में नहीं है। तो अहेतु की कृपा का मतलब अगर कोई अगर सोचे जे कोई कारण नहीं है ऐसे हो गया, तो ऐसा होने से हर आदमी को मिलना चाहिए था, मिल नहीं रहा, कैसे? भगवान जैसे सब प्रकाश, भक्ति का भी सब प्रकाशता सिद्धि का निमित्त कोई हेतु का, कोई रीजन का अपेक्षा नहीं है। भक्ति अगर किसी कारण के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो भक्ति स्वतंत्र हो नहीं पाएगी। आई बात समझ में? जैसे भगवान सराट है, भगवान सराट होने का बावजूद भगवान खुद बताए अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र ही बोधी, भगवान ने बताया, भगवान ने खुद बताया। भगवान सराट पुरुष होते हुए भी भगवान खुद बताए अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र ही बोधी साधुग्री हृदय व्यस्तम है मदन्नति न जनंती न हम तिभ्य मनागवी।
तो भक्ति अगर किसी रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है तो भक्ति कैसे स्वतंत्र हो पाएगी? भक्ति का स्वरूप सिद्धि, भक्ति का जो स्वप्रकाशता सिद्धि के लिए कोई हेतु का अपेक्षा जरूर नहीं है। अहेतु की अप्रतियता जयात्मा सुप्रसिद्धति, उसी भक्ति के द्वारा आत्मा सुप्रसन्न हो जाती है। ये सब विचार के द्वारा कोई हेतु बिना भक्ति का आविर्भाव होता है, ऐसा लगता है, ऐसा ही लगता है। क्योंकि बहुत सारे भागवत में विचार है जदृच्छा क्रमे, ऐसा बहुत सारे हैं। तावत कर्माणि कुर्वेतो नावत जावत निर्वेत्य तो ना जावत निर्वेत्य ना है ना, तावत कर्माणि कुर्वेतो न जावत तावत कर्माणि कुर्वेतो है ना, ये जो श्लोक है इसमें विचार है निर्वेद जब तक न आए तब तक ये करते चले। और मेरा कथा आदि में अगर मन लग जाए तो इसका हो गया मेरा पार जदृशा। यहां भी जदृशा शब्दों का व्यवहार किया है, जदृच्छत मत कथा दिशु श्रद्धा जावत न जायते, मेरा कथा कीर्तन में अगर जब तक श्रद्धा ना हो पाए तब तक तावत कर्माणि कुर्वितो जावत निर्वित्य तो न जावत, ऐसा जदृच्छा क्रमे उपचित व्यक्ति ऐसा विचार है। जो जदृच्छा का माने स्वेच्छा सतह, ऐसा तो मीनिंग है ही है। और कोई अगर ऐसा माने करे जदृच्छा का माने हैं किसी विशेष भागों के द्वारा, ऐसा अगर कोई व्याख्या करे तो कोई विशेष भागों का उन्मेष हो गया, ऐसा अगर कोई व्याख्या करे, ये व्याख्या में भाग्य, ये जो भाग्य है लाख है भाग्यो, ये भाग्यो बोलने से क्या समझे समझा जाए, कोई शुभ कर्मो, कोई शुभ कर्मों समझा जाए। अगर शुभ कर्मों ये मान लिया जाए तो पहला बात है शुभ कर्मों के लिए जो भाग्य है इसका ऊपर अगर भक्ति डिपेंडेंट है तो भक्ति कर्म परतंत्र हो गया। कोई अगर शुभ कर्म का अधीन हो गया, कोई अगर करे तब भक्ति देवी जाएगी, मतलब भक्ति देवी का स्वप्रकाशता का हानि होती है। कोई अगर कहे शुभ कर्म का अभाव, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। कोई अगर कहे शुभ कर्म का अगर अभाव हो तो हो सकता, ये तो भाग्य का अनिश्चय, ये तो भाग्य का अनिश्चित एक तो विचार है। भाग्य उदय में क्या कारण है ये कोई रीजन दिखाई नहीं पड़ता, तो ये स्वयं असिद्ध हो जाता है ये विचार। और जो स्वयं असिद्ध है तो दूसरे को कैसे सिद्ध करेगा, जो स्वयं असिद्ध है तो दूसरे को कैसे सिद्ध बनाएगा। और भगवान का कृपा, ऐसे ही अगर कोई अगर कहे भगवान का कृपा हेतु है, अगर कोई कहे अरे भगवान का ऐसा कृपा ही है, ऐसा कृपा भगवान का है, यू नो भगवान का अहेतु की कृपा, अगर कोई सोचे ऐसा विचार, तो इसका अनुसंधान करने जाए भगवान का कृपा को ही अगर भक्ति आविर्भाव का हेतु माना जाए तो ये कृपा का क्या कारण है, ये कृपा का क्या कारण है, ये ढूंढने जाए। बोले भगवान का कृपा अगर हेतु है भक्ति आविर्भाव तो इसका कारण ढूंढने जाओ तो इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसका कोई स्टेबिलिटी, क्योंकि कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। और भगवान का कृपा को ही हेतु माना गया भक्ति का, ये भी विचार ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान का कृपा तो सबको के लिए क्यों नहीं आ रहा है,
अगर भगवान का ही कृपा है, ठीक है, भगवान का कृपा कोई हेतु माना जाए भक्ति का, तो हर कोई को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? भगवान का निरुपाधिक कृपा के द्वारा भक्ति उदय होती है। भगवान का निरुपाधिक, ये ठीक है, भगवान का निरुपाधिक कृपा के द्वारा भक्ति का उदय होता है। इसका माने बाद में हम, इसका माने जो है, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में होगी। भगवान का निरुपाधिक कृपा, इसका माने क्या है? किंतु ये कृपा हर जगह दिखाई नहीं पड़ता, तो इसमें भगवान का डिस्क्रिपेंसी, भगवान का विषम भाव आरोप किया जा सकता है। भगवान का विषम भाव आरोप किया जा, क्योंकि ये कृपा सब जगह दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन शास्त्रों का विचार है, या भी हमने बताया, जो दुष्ट निग्रहों और स्वभक्तों का पालन, जो बाहरी दृष्टि में जो वैषम्य है, डिस्क्रिपेंसी, ये भगवान के लिए दोस्तों नहीं है, उल्टा भूषण है, क्योंकि भगवान कर्मफल देने वाला। जो दुष्ट व्यक्ति को शास्ति देना, निग्रह और स्वभक्त का पालन रूप जो वैषम्य है, विभेद भगवान का, ये दोस्तों बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भूषण है, क्योंकि भगवान पहले बताया जे सब कोई का अंदर में, सब कोई का लिए मेरा समोहम सर्वभूतेषु न मे दृष्टोस्ति न प्रिय। तथापि भगवान जो किसी को, दुष्ट व्यक्ति को शास्ति दे और अपना निजी जन को कृपा करे, ये जो है, इसके लिए कोई वैषम्य का जो भाव जो आरोप किया जाए भगवान, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त वात्सल्य गुण सर्व गुणों का उपमर्दक, अतः सब गुणों को एकदम पीछे रखकर एकदम सबसे ऊपर भगवान का जो भक्त वात्सल्य है, ये सब विचार है। और अभी प्रश्न आता है मध्यम भक्तों का विचार के प्रसंग में, मध्यम भक्तों, उत्तम भक्तों का विचार में उसका तो भेदभाव नहीं है भगवान का माफी, तो इसके द्वारा किसी को भेदभाव करना संभव नहीं, और भेदभाव करना संभव नहीं है। लेकिन मध्यम अधिकारी जो है, मध्यम अधिकारी का लिए ऐसा लिखा है, जो मध्यम व्यक्ति का अंदर में जो विचार है, मध्यम भक्तों का अंदर में जो विचार है, जो भगवत विद्वेषी, इसको उपेक्षा है, कृपा करना, किसी को जो निर्बोध है, जिसका अंदर में अभी ज्ञान का पुरुष बनो, उसको कृपा करो, बालिश कृपा, बालिश व्यक्ति जो है इसमें कृपा करो, और मैत्री स्थापन करो, जो समगोत्रीय है इसका अंदर, भक्तों का साथ, भक्तों मैत्री माने बंधुत्व करो, दोस्ती करो, और जो विदेशी है इसको उपेक्षा करो, इसको उपेक्षा करो, ऐसा जो विचार है, ये भेद विचार जैसा ही लगता है, एकदम मध्यम अधिकारी का लिए ही संभव है, और कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो आता ही नहीं। कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो जो अपना इष्ट वस्तु को पूजा करता है, न तद भक्तिषु चान्यु स्वभक्तो प्राकृत श्रेता, वो भक्त प्राकृत भक्त है। एकमात्र मध्यम अधिकारी के लिए ऐसा है, जो बालिश व्यक्ति इसको कृपा करे, जो समान धर्मो, जो भगवान का भक्त उसका साथ दोस्ती करे, और जो विदेशी है इसको उपेक्षा करे, कृपोपेक्षा, कृपा उपेक्षा ये कर सकता है। ये जो मध्यम भक्तों का जो गुणावली विचार किया गया,
शास्त्रों का विचार यह है। तो मध्यम भक्तों का, मध्यम भक्तों, मध्यम अधिकारी भक्तों का अगर कृपा हो गया तो भगवान का कृपा हो सकता, ये विचार अगर किया जाए इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान भक्तों का अधीन है। भगवान जब भी सराट है फिर भी भगवान भक्तों का अधीन है। सो भगवान अगर भक्तों का अधीन है तो भगवान का कृपा भी भक्तों का अधीन हो सकता, जो मैं विशेष करके मध्यम अधिकारी, क्योंकि उत्तम अधिकारी का कोई विचार ही नहीं बनता, सब समान देखता है, इसका लिए प्रचार करना भी मुश्किल। आचार्य ने पूछा, प्रभुपाद जी ने इच्छा करके ये जो परमहंस भाव है उत्तम अधिकार, इच्छा करके मध्यम अधिकार में आके प्रचार प्रसंग करता है। अंतर में परमहंस भाव है, अंतर में परमहंस भाव है और बाहर में लोगों को सिखाने के लिए समझाने के लिए इच्छा करके प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा ज करति स मध्यम है। प्रेम मैत्री, प्रेम करे है, बड़ा उत्तम भक्त का भगवान का साथ और भक्त भगवान का उत्तम भक्त का साथ, प्रेम मैत्री, मैत्री बंधु दोस्ती करे समपर्या भक्तों का साथ, और उसका बाद कृपा और उपेक्षा। तो कृपा करने का राइट जो है भगवान ने इच्छा करके भक्तों का हृदय में दे दिया। तो तमाम युक्ति जो किया है इसमें यह विचार आता है, भगवान का भक्तों, भगवान का भगवान, भगवान इच्छा करके भक्तों का अधीनत्व, भगवान इच्छा करके भगवान का अधीन, भगवान इच्छा करके भक्तों का अधीन हुआ। तो भगवान अगर भक्तों का अधीन, भगवान का कृपा भी भक्तों का कृपा अनुगामिनी। मतलब बहुत बार प्रभुपाद जी ने भी कहा ये अगर किसी भक्तों का कृपा हो गया तो ये भगवान का ही कृपा है। इसी युक्ति का अनुसार मध्यम भक्तों का अगर कृपा हो गया तो भगवान का कृपा हुआ है, ये विचार अगर समझा जाए उसमें इसमें कोई असामंजस्य नहीं है, इसमें कोई विचार में गलती नहीं है। इच्छा करके भगवान जो मध्यम अधिकारी जो इच्छा करके प्रीचिंग में जाने के लिए, ये लोग समझाने के लिए इच्छा करके मध्यम अधिकार का स्तर में आकर, जब भी इन लोगों का अधिकार बहुत ऊंचा, केशव गोस्वामी, भावन गोस्वामी, सिद्धू, सब ऊंचा, लेकिन इच्छा करके ये लोग समझाने के लिए, शासन करने के लिए, कृपा करने के लिए मध्यम अधिकार जैसा दिखाता है आचरण करके। तो ये जो मध्यम अधिकार का कृपा होने से भगवान का कृपा हुआ, ये अगर विचार करे तो इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि भक्तों का हृदय का जो भक्ति है, भक्त्या संज्ञातया भक्त्या, भक्तों का हृदय में जो भक्ति, यही भक्ति संचार का मूल है। जैसे मानी बिगेट्स मानी, पैसा का द्वारा पैसा आता है, और इधर भक्ति छोड़ के कोई ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा भक्ति आएगी ऐसा नहीं हो सके। ये सपोर्टिंग फैक्टर, ज्ञान वैराग्य सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता, भागवत में बहुत सारे श्लोक है इसमें विचार है, भक्ति हो सकता, लेकिन भक्ति 100% होगा ऐसा नहीं, भक्ति का अनुकूल हो सकता अगर ठीक से जाजन किया जाए, वो भी अगर ठीक से जाजन किया जाए, गीता में ये सब चर्चा हो चुका, ज्ञान वैराग्य भक्ति का अनुकूल हो सकता, लेकिन भक्ति होगा ही ऐसा कोई गारंटी नहीं। तो भक्तों का हृदय में जो भक्ति है, ये भक्ति के द्वारा ही दूसरे का हृदय में भक्ति संचारित करना ये संभव है, बाकी विचार तो हो नहीं सकता, बाकी विचार तो संभव नहीं। भक्तों का हृदय का भक्ति जो है,
भक्तों का हृदय में जो भक्ति है, यही तो भक्ति संचार का विषय है। तो पहले पहले जो विचार उठाया था, सो प्राक्तम भाग्याधि का अपेक्षा छोड़कर भक्ति का सब प्रकाशत्व सिद्ध हुआ इसी विचार का अनुसार। अर्थात मध्यम भक्तों का अगर कृपा हो गया किसी का ऊपर, तो इसका अंदर में भक्ति होना संभव है। अभी ये अहेतु की ये जो शब्द तो लगा गया, क्या मध्यम अधिकारी जो है ये अहेतु की सबको को कृपा करेगा? ये अहेतु की शब्दों का और एक व्याख्या होता है। जैसे ओंकार शब्द है अ उ और म, जैसे ओंकार शब्द है अ उ और म, अ के द्वारा विष्णु अर्थात कृष्ण को माना गया, उ ब्रह्मा जी स्वयं और म महादेव महेश। तो अ उ म इसका अंदर में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मतलब ये जो ओंकार शब्द ये तमाम सृष्टि का बीज मंत्र है, गुप्त बीज। ओम इति एकाक्षरम जो बाहरण मामनुस्मरण जो प्रयाति तेयन देहम सजाति परमाम गतिम, इसका बारे में गीता में बताया गया। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म मंत्र। तो जैसे अ के द्वारा ओंकार शब्दों में विष्णु को माना गया, मतलब कृष्ण जो भी है, विष्णु मतलब कृष्ण ही है, कृष्ण से ही विष्णु आया है। तो ये जो अ उ म इसका अंदर में जो विचार आया, अगर अहेतु की शब्दों का अहेतु की जो शब्द है इसमें अ को थोड़ा सेपरेट कर दो और इसको लगा दो कि विष्णु अर्थात कृष्ण, विष्णु का मूल कृष्ण है, तो कृष्ण पकड़ने से और अच्छा मीनिंग निकलेगा। तो अ को सेपरेट करने से अ प्लस हेतुकी, अ प्लस हेतुकी मतलब अहेतुकी। तो अ को सेपरेट करके आप मीनिंग विष्णु अर्थात कृष्ण समझ लो, और हेतुकी मतलब कारण है। क्या कारण है? हेतु की मतलब रीजन, व्हाट इज द रीजन। पहले यहां ये क्या कारण है, कृष्ण के लिए कृष्ण का संतुष्टि के लिए, सब कुछ कृष्ण का लिए। हमारा जो मतलब है ये, अगर कृष्ण के लिए हमने विचार किया, सेवा करेंगे, कृष्ण का सेवा किया, विचार किया, कृष्ण का लिए सब कुछ। हेतु की मतलब कारण, क्या कारण है, मतलब कृष्ण का लिए। अ को अगर विष्णु अर्थात कृष्ण माना जाए, कृष्णों का लिए ये जो विचार है, जितना सेवा आदि सब करने का, ये जो ए अगर किसी का अंदर में देखा गया, मतलब ये है मध्यम अधिकारी जिसका अंदर में बिल्कुल सामान्य भगवान के लिए अनुकूल भाव देखता है। बहुत सारे लंबा विचार जरा सा भी थोड़ा सा भगवान का सेवा के लिए कुछ अनुकूल भाव, भक्तों और भगवान का, तो भगवान का लिए, भगवान का भक्तों के लिए, भगवान का धाम के लिए, भगवान का नाम के लिए, जो अ प्लस हैतुकी, नाम सुनने में बहुत अच्छा लग गया भगवान का कथा सुनने में, भगवान को संतुष्टि के लिए सब। ये जो माने हुआ प्रभुपाद जी भी, प्रभुपाद का बारे में भी लिखा हुआ है। प्रभुपाद का जिंदगी का जो विचार है, प्रभुपाद जी ने किसी का अंदर में सेवा का बिल्कुल कोई भाव नहीं है, तो प्रभुपाद इन लोगों का सामने, जिन लोगों का अंदर में सेवा का बिल्कुल कोई भाव नहीं, उल्टा भाव, प्रभुपाद इन लोगों का सामने अपना परिचय नहीं देते थे। प्रभुपाद का जीवनी पढ़ के देखना, लीला,
मैंने चर्चा भी किया था और दी प्रभुपाद एनी जीवनिकाचार्य सीरीज में, किसी का अंदर में बिल्कुल सेवा का कोई भाव नहीं, बिल्कुल नहीं मैत्रिया। ये लोगों का सामने प्रभुपाद अपना अपना जो दिल है अपना परिचय नहीं देते थे, छुपा के रखते थे। और जरा सा भी अनुकूल भाव है, प्रभुपाद इनको समझाने के लिए, बचाने के लिए, भगवत सेवा में उन्मुख करने के लिए और ज्यादा प्रयास करते थे। बहुत सारे ऐसा घटना है, बहुत सारे ऐसा घटना है। जैसे एक वकील आया प्रभुपाद जी का सामने, इसका अंदर में थोड़ा चैलेंजिंग मूड था। प्रभुपाद इतना बड़ा पंडित है, प्रभुपाद का सामने अन भागवत समझेंगे थोड़ा विचार। प्रभुपाद का सामने बताया, हम आए हैं आपका पास थोड़ा है ना भागवत कथा सुनने के लिए। प्रभुपाद जी ने बोला, देखो आप एक काम करो, ये जो बगीचे है, बगीचे में एक वैष्णव है, उसका साम उसका पास जाओ, आप जाके सुनना। वकील बाबू है, उसका पत्नी सब लेके गैंग फूला पूरा, बहुत दिन पहले का बात। तो जाके देखा कोई वैष्णव नहीं है, एक आदमी पेड़ पौधा में पानी दे रहा है और रिटर्न गया। जाके बोला, पापा जी हमको तो कोई वैष्णव नहीं दिखाई दिया, उधर बगीचे में कोई नहीं है। कोई नहीं है? बोला हाँ एक आदमी है पानी दे रहा है, वो तो गार्डनर है। बोलो नहीं वो वैष्णव है, जाओ उसका पास सुनो। आई बात समझ में? तो इसका पास भेजने का मतलब है वकील बाबू का और प्रभुपाद का बीच में जो मिलन का सूत्र, ध्यान दे। वकील बाबू आया है थोड़ा श्रद्धा लेके, ठीक है, लेकिन वकील बाबू का साथ प्रभुपाद का दर्शन में इसका जो बीच में एक दीवार खड़ा हुआ है, यह है अभिमान, आत्म अभिमान, मैं वकील हूं। इसीलिए प्रभुपाद ये पर्दा को गिराना चाहा। अगर प्रभुपाद का अंदर में कोई करुणा का लेस नहीं है, प्रभुपाद कहते देखो हमारे पास टाइम नहीं है, आप जाओ, कह देते। प्रभुपाद ने कुछ दिखा है, प्रभुपाद ने कुछ दिखा है इसका हृदय में, तो इसलिए बोला एक काम करो, मैं व्यस्त हूं, इसका सामने सुन लो। दोबारा जब गया तो एक गार्डन का मालिक, एक गार्डन का वो जो काम कर रहा है बगीचे में, इन्होंने जो हरिकथा सुनाया, ये एक बार नहीं है, बहुत बार ऐसा घटना हुआ। जैसे हमारा भक्ति सौध आश्रम गोस्वामी महाराज, जिसको जिसका बारे में मैंने वही छात्रोदय विमला प्रसाद एंड तत्प्रिय भूतवृत्त प्रभु एक छोटा सा किताब निकाला था, 150 पन्ना का होगा, 150-200 पन्ना का बीच में, छात्रोदय विमला प्रसाद अर्थात प्रभुपाद जी का बचपन का जितना सारे सिद्धांत विचार आचरण इसका बारे में, और इसका साथ क्योंकि ये लोगों ने किताब का खर्चा दिया। हम बोला देखो अकेला आपका गुरुजी के बारे में तो कोई, अगर ये कंबाइन करके फर्स्ट चैप्टर प्रभुपाद के बारे में, सेकंड चैप्टर देखोगे ये किताब बहुत चलेगा। तो इन्होंने किया है ये भूतोद्भृत ब्रह्मचारी, ये भूतोद्भृत ब्रह्मचारी एडुकेटेड व्यक्ति है, इतना स्मार्ट है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का छात्र है, इतना स्मार्ट है, देखने में हर आदमी बोलते थे कि ये इतना सुंदर देखने में, एकदम सुंदर सुपी बक्षस्थल, इतना चौड़ा छाती है, इतना लंबा आंखों, इतना सुंदर है देखने में, नौजवान बहुत सुंदर। लोगों में मजाक करके बोलते थे ये स्वामी जी से ज्यादा सुंदर देखने में। स्वामी जी मतलब समझा, ऐसे तो हम बोलने में मजबूर है, स्वामी जी, स्वामी जी तो उसको बोला जाए जो हमको बचा सके। एक मिशन में जो स्वामी जी है वो तो किसी जीवात्मा को बचा नहीं सकेगा, वो कर्मों का मार्ग दिखाएगा। तो इसको हम स्वामी जी बोलने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी लोगों का कहना है ये स्वामी जी, तो हमने कह दिया। तो स्वामी जी वो है जो किसी जीवात्मा को बचा सके, वो स्वामी जी है।
बाजी बाकी अगर मजेक में और ज़्यादा यू नो सम्मान देने के लिए अगर जोर जबरदस्ती यूज किया तो मेरा करने का कुछ नहीं है। अक्सर आदमी बोलते थे इसको वो स्वामी जी से भी देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है देखने में, इतना सुंदर है देखने में ऑलमोस्ट। तो ये जो है इन्होंने इनको एडुकेटेड आदमी कलकत्ता में एडुकेशन किया, कलकत्ता में सब पोपाज ने इच्छा करके इसको हरिनाम दीक्षा देने के बाद बागीचे का काम में लगा दिया। अर्थात बागीचे मतलब फूल बागीचे नहीं है, बागीचे में दूसरा आदमी है, बाकी जो और जो फील्ड है उसमें पैडी धान चाल ये सब जो मैदान में सब्जी ये सब बगाने, इन्होंने जितना सारे शस्य है ग्रेन है बोरा में लेकर कुली का मापी लाते थे चैतन्य मठ का गोडाउन में, मैंने भी किया। सब्जी का पूरा बोरा लेकर माथा में लेके नवद्वीप से आया मठ में गुरु सेवा के लिए, तो मैं क्योंकि हम लोगों का विचार है कुत्ता है गुरु जी का तो क्या सम्मान का बात है, तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, तो मैं लाते थे अभ्यास है, कभी नहीं सोचा कि ये मेरा सम्मान का काल विशेष विचार होगी भारती महाराज का तिरुभाव तिथि आविर्भाव तिथि इस विषय में, वहाँ गौ माता का सेवा करते थे भारती महाराज जैसे हम करते हैं उसमें उतना सुंदर सेवा करते थे, कभी भी सोचा नहीं कि ये मेरा लायक सेवा नहीं है। तो इस बारे में कल चर्चा होगी जो भी है। तो ये इसको पोपा जी ने इच्छा करके परीक्षा के लिए इसको सेवा में लगा दिया, जाओ गोडाउन में ये धान चाल ये सब लेके आओ और इसका हिसाब रखो। लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा कि पोपाद जी मेरे को मेरा लायक सेवा नहीं दिया। सेवा कुछ भी हो, चाहे लैट्रिन परिष्कार हो, मंदिर परिष्कार हो, रसोई हो, अर्चन हो, प्रवचन हो, ये नहीं कि प्रवचन सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब अन्नाभिलास। तो इन्होंने किया है 6 महीना भी नहीं ये सेवा करने का बाद पोपाद इच्छा करके उसको बुला लिया, आओ कलकत्ता मठ में। कलकत्ता मठ में बुलाया, बुला के परीक्षा की, उसको भेज दिया मैड्रास प्रीचिंग के लिए। और आप जानते ही होंगे मैड्रास में अगर शिक्षित आदमी नहीं है तो क्या करे, ये लोग तब की जमाने में हिंदी बिल्कुल परवाह नहीं करते, हिंदी को घिना करते थे तब की जमाने में। तो ये हमारा ये जो भक्ति सौध आश्रम गोसी महाराज, इसका जिंदगी में ऐसा हुआ, पोपाद ने किसी व्यक्ति को भेज दिया, वो मैदान में काम कर रहा है, देखो धान चाल का बोड़ा ला रहा है माथे में लेकर, उसका सामने हरिकथा सुन, बोले अरे ये बोरा ले आ रहा है ये कुली जैसा है, इसका सामने कैसे सुने, इसका सामने कैसे सुने, ये विचार बताया। पोपा देव ने उसी का सामने सुना, इन्होंने वो एडुकेटेड आदमियों का सामने अंग्रेजी में इतना सुंदर हरिकथा परिवेशन की, उली हैरान हो गया, ये क्या बात है, ये गामछा पहन के कुली जैसा है लेकिन इसका बोल चाल इसका जो रीजनिंग है इतना सुंदर है, ये तो बहुत सारे ऊंचा एडुकेटेड है। कहने का मतलब है बद्ध जीवों के अंदर में अहंकार रहता है, ये अहंकार का पर्दा अगर विनाश ना हो जाए तब तक प्रभुपाद का साथ गुरु वैष्णव का साथ दर्शन करना या तो तत्व ज्ञान का अनुभव करना संभव नहीं होता, ये सब विचार आता है। इसीलिए पहले जो बताया था कोई अगर व्यक्ति कहे अति भाग्य के कारण बड़ा एक्सीलेंट कोई लाख है प्रीवियस कर्म, तो इसमें भक्ति का जो कर्म परोतन तो साबित होता है लेकिन भक्ति देवी स्वयं संपूर्ण और किसी का अधीन नहीं है। तो अति भाग्य हेतु अगर कोई कहे ये शुभ कर्मों का तो सवाल ही नहीं हो सकता,
ये अतिक्रमण करके कोई मध्यम भक्तों का करुणा प्रकाशित हो गया, ये जानना जरूरी है। अभी अब पीछे वाला जो चर्चा चल रहा था अ उ और म, ये विचार में अ का द्वारा अगर विष्णु कृष्णों का कंसेप्शन आए तो भगवान भगवान जो है और भगवान भक्तों का जो रीजन भक्तों का लिए कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण भगवान के लिए कृष्ण का धाम के लिए ये जो रीजनिंग है ये जो क्यों किस लिए तो इसको जोड़ दे तो ये माने आता है जैसे प्रभुपाद किसी का अंदर में सामान्य भगवान के लिए थोड़ा बहुत सेवा करने का थोड़ा बिल्कुल नेगेटिव नहीं है थोड़ा बहुत पॉजिटिव उसको भी कृपा करें तो ये माने अगर हो अर्थात अ हैतुकी मतलब कृष्ण का लिए कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण का धाम के लिए थोड़ा बहुत किसी का अंदर में श्रद्धा सेवा का विचार है तो उसका ऊपर एक कृपा आ जाए। तो अहेतुकी कृपा का माने ये नहीं है आसमान से ठप 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 ऊपर से गिरेगा, ऐसा नहीं है। तो अहेतुकी कृपा का माने यही है। और ज्यादा कृपा करके और ज्यादा विचार करके हम दिखाएंगे काल, हम काल और ज्यादा विचार करके दिखाएंगे जो अच्छा नहीं आज ही होगा ठीक है। ये राजा प्रताप रुद्ध है ना, राजा प्रताप रुद्ध है, राजा प्रताप रुद्ध का साथ महाप्रभु राजा प्रताप रुद्ध को दर्शन करने के लिए इनकार कर दी, आई बात समझ। और ये भी हुआ नित्यानंद बाबू का ऑनर, नित्यानंद बाबू का सम्मान के द्वारा, क्योंकि नित्यानंद बाबू अगर बोले ये जगाई मधाई को बचा लो ठाकुर ये बचा लो तुम किस लिए आए हो इसीलिए ना, तो महाप्रभु जी ने ये चक्र को आवन सुदर्शन सुदर्शन चक, और नित्यानंद बाबू देख रहे हैं सुदर्शन आ रहा है और जगाई मधाई भी देख रहे हैं, लेकिन नित्यानंद बाबू ने प्रभु को रिक्वेस्ट विनती किया प्रभु इस अवतार में तुम अस्त्रों नहीं ग्रहण करोगे, आप शोधन करोगे कृपा के द्वारा तो आप छोड़ दो। नित्यानंद बाबू इच्छा करके नित्यानंद बाबू का ये स्पेशल कृपा है, नित्यानंद बाबू का रिक्वेस्ट, इसीलिए जगाई मदाई का अंदर में एक बिल्कुल विपरीत भाव पैदा हो गया। जब नित्यानंद बाबू का खून बह रहा है फिर भी नित्यानंद बाबू कह रहे हैं कि जगाई माधाई को बचा लो, तब नित्यानंद बाबू का हृदय तब जगाई माधाई का हृदय नित्यानंद बाबू ने ऑलमोस्ट शोधन कर दिया, इसीलिए नित्यानंद बाबू का कृपा आई, गौरंग महापो का कृपा ले पाया। आप प्रताप रुद्ध का बारे में देखो और नित्यानंद बाबू का आदेश के द्वारा महाप्रभु दक्षिण भारत में काला कृष्णदास को लेके गया, काला कृष्णदास को नित्यानंद बाबू का आदेश के द्वारा, नित्यानंद बाबू का आदेश है इसलिए महाप्रभु और विचार नहीं किया ठीक है चल माधुकरी भिक्षा किया अच्छा अच्छा जगह शुद्ध जगह और काला कृष्णदास का जल पात्रो और इन कपड़ा चुपड़ा सब लेके चल रहा है। लेकिन ऐसे कैसे संभव है ये काला कृष्णदास, देखो बात ये काला कृष्णदास क्या महाप्रभु का साथ चल रहा है जो परात्पर अखिलेश्वर है जिसके दर्शन के द्वारा जरा सा भी अंदर में गलत भावना रहना संभव नहीं, लेकिन फिर भी ये काला कृष्णदास कैसे भट्टोथारी का टीम में गया लड़की का संग करने के लिए, ये बात पक्का है। योग्य पात्र नहीं होने से ले नहीं सकता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने एक एग्जाम्पल उदाहरण स्थापन करने के लिए उसका कोरोना कैसा है तो महाप्रभु जी ने इसका बाल पकड़ के ले आया उद्धार करके, और फिर पुरुषोत्तम धाम में आने का बाद नित्यानंद प्रभु को फेंक दिया, बोले लो इसको ले लो आप मेरा साथ कोई संबंध नहीं है, ये ऐसा किया।
मतलब नित्यानंद प्रभु का करुणा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु ने क्या की, उसी उसी जिन्होंने भट्टोथारी का पास गया स्त्री संग करने के लिए, महाप्रभु उद्धार करके लाए, उसी को ही नित्यानंद प्रभु ने प्रसाद और माला चंदन देके गौरधाम में भेज दिया। शची माँ अद्वैत को सबको इसने प्रसाद महाप्रसाद आदि वितरण करने के लिए सेवा में लगा दिया। तो नित्यानंद प्रभु का ये काम है, और नित्यानंद प्रभु का चरण अनुचरगण जे प्रभुपाद आदि सबको का ये विचार है, किसी भी हालत से बद्ध जीव को सेवा में लगा, बद्ध जीव को किसी भी हालत में सेवा में लगाने का कोशिश कर। तो अगर जरा सा भी अनुकूल भाव देखते प्रभुपाद, उसका ऊपर कृपा करते थे, बाकी आदमी का ऊपर नहीं। ये प्रभुपाद का स्वभाव। तो नित्यानंद प्रभु का इसका ऊपर कृपा है, ठीक है, उसको भेज दिया। बाद में शोधन हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते, इसका बारे में डिटेल्स कुछ नहीं है। लेकिन गौड़ियों में ये विचार बताया जे नित्यानंद प्रभु इसको कृपा की, इसके कृपा के द्वारा ओ इसको सेवा में लगाने का कोशिश की नित्यानंद। बाद में क्या हुआ वही जाने। तो महाप्रभु का साथ रहते हुए भी अयोग्य पात्र ये भक्ति ले नहीं पाए। हर जगह देखा महाप्रभु जा रहे, और वृंदावन धाम में जब महाप्रभु गए, जब अक्रूर घाट में रहे, उस तरफ एक शोर मच गया। ये कृष्ण जमुना में नृत्य कर रहा है, कालिया व्रत में कृष्ण आया है वृंदावन। तो ऐसा सुनकर महाप्रभु के जो सेवक है बोल रहे हैं, प्रभु हमको आज्ञा दे दो, हैं हमको आज्ञा दे दो, हम जाए कृष्ण देखने के लिए। सब बोल रहा है बलभद्र आचार्य, बलभद्र। तो बलभद्र जी भगवान श्री कृष्ण का साथी है, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का साथी है। हर जगह उसका प्रेम सब देख रहा है, जंगल में जाते हुए बाघ भालू सबको प्रेम दे रहा है, हाथी को। क्या इसको समझ में कुछ नहीं आए? तो इन्होंने फिर ये नहीं समझा कि ये कृष्ण है, ये कृष्ण को दर्शन करने के जा रहे हैं। मतलब क्या मतलब है अब बताओ, क्या मतलब है? बाद में महाप्रभु जी ने विदर्भ, महाप्रभु जी का जो ये जो विचार है, जो एक भव्य आदमी, एडुकेटेड आदमी, बहुत भक्तों का ऊपर प्यार है, भगवान का ऊपर प्यार, उन्होंने आया महाप्रभु जी ने बताया, क्या कृष्ण देख के आया है वृंदावन में? ले कौन सी कृष्ण, ये जो लोगों का शोर मच गया चारों ओर, ये जो सुन रहा हूँ, महाप्रभु जी ने बताया ये कालिया व्रत में एक कृष्ण नृत्य कर रहा है, रात को नृत्य कर रहा है। तो ये एडुकेटेड आदमी ने महाप्रभु का कृपा के द्वारा प्रेरित होकर बता रहे, ना 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 प्रभु कुछ नहीं है सब। तो क्या है? बोल एक मछुआरे रात का टाइम में अपना ये जो बोट है ये लेके, और उसका साथ दिया जल रहा है, मसाल टॉर्च मसाल जो है वो चल रहा है, और आदमी को दूर से गलत फहमी हो रहा है कि कृष्ण नित्य कर रहा है, क्योंकि यमुना का ढेव से ही उथल पथल हो रहा है। तो महाप्रभु जी ने हंस पड़ा, और बलभद्र को देखा क्या बात है, तुम वृंदावन जाके कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ रहे हो, और ये विचार है। लेकिन वृंदावन में जो लोग भी कह रहा है कि अभी कृष्ण वृंदावन में आया है, ये बात झूठा नहीं। सरस्वती शुद्धा सरस्वती इसका जीवा में बैठकर कह रही है ये बात, सचमुच कृष्ण आया है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य आया, मतलब कृष्ण आया है। लेकिन इन लोगों का विचार नहीं बनता है, कृष्ण का मापिक बिल्कुल देख रहा है, फिर भी विचार नहीं बनता है कि भगवान है। दिखने में बहुत सुंदर है, आ हा, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि भगवान है। बलभद्र
प्रभु का भी विचार नहीं बनता। तो ये बड़ा मुश्किल बात है। हमारा रघुनाथ दास गोसाई भी इच्छा करके लीला, जब भी नित्य पार्षद है तब भी लीला किए हैं कि नित्यानंद प्रभु का कृपा होने का बाद फिर आगे चल के गौरंग महाप्रभु का सेवा मिला, क्योंकि रघुनाथ दास गोसाई के अंदर सेवा का भाव ऑटोमेटिकली है। इन्होंने वैष्णव सेवा का अरेंजमेंट किया, दोधी चीड़ा उत्सव आदि किया। तो इसका माने क्या है, अहेतुकी का ये मीनिंग होता है अ विष्णु अर्थात कृष्ण, अहेतुकी माने कृष्णों का लिए, कृष्ण भक्तों का लिए, कृष्ण धाम का लिए, कृष्ण नाम का लिए, जरा सा भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव मूड है। जबी ये मध्यम अधिकारी वैष्णव ये देखकर उसको आनंद होता है, ये सेवा के लिए दौड़ के आए हैं, थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। यहां तक कि हमने बताया गिलाड़ी, जो गिलाड़ी सेतु बंधन में क्या सहयोग करेगा, लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र ने इसका सेवा का जो मोटिव है ये स्वीकार किया। स्वीकार करके इसको अपना अंगुली इसका ऊपर बुलाया, तीन उंगली का छाप है और हर सांप का मस्तक में भगवान का चिन्ह है, चरण चिन्ह देखना, कालियों का ऊपर दिया था भगवान अपना पैर को। तो जो भी है इसमें भगवान कितना सेवा किया ये नहीं देखते। हो सके कि सुदामा विप्रो थोड़ा चिपिटक चिड़वा सूखा चिड़वा टुकड़ा टुकड़ा, ये भी साबुत नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा अंचल में बांधकर गया तोहफा देने के लिए, लेकिन दे नहीं पाया, शर्म के मारे सर झुकाया, हम दे नहीं सके, कैसे देगा, ये दिया जाए, लेकिन भगवान ने समझ मेरा दोस्त क्या तोहफा लाया मेरे के लिए, क्या तोहफा लाया। सुदामा विप्र सर झुका लिया, कुछ बोल नहीं सका, क्या क्या बोलेगा, बोले ये राजबाड़ी है, इतना सारे उफ कितना वैभव है दारिका में, इसका सामने ये छोटा मोटा ये मेरा तुच्छ वस्तु, ये राम कैसे दे, इसने छुपा लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जोर जबरदस्ती इससे छीन लिया और बोले भक्तों के द्वारा जितना ही सामान्य हो ना क्यों, भक्तों के द्वारा संग्रहित, भक्ति के द्वारा संग्रहित जितना भी तुच्छ सेवा हो ये मैं स्वीकार करता हूं और अभक्तों का कुछ नहीं मैं लेता हूं। जैसे दुर्योधन का उधर भगवान ने सोने के थाले में खाना छोड़ दिए और विदुर जी का घर में आके केले का छिलका खाना शुरू कर दिया। तो अहेतुकी का मतलब ये माने हुआ जिसका अंदर में भगवान के लिए, भगवान का भक्त के लिए, भगवान का धाम, भगवान का नाम के लिए जारा सा भी कोई अट्रैक्शन है। जैसे प्रताप रुद्र का उदाहरण देके आज समाप्त करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो प्रताप रुद्र जो है, प्रताप रुद्र जी राजा है और श्रीमान महाप्रभु का निषेध है, जो कि राजा है, राजा का साथ और राजदर्शन और लड़की दर्शन स्त्री दर्शन सारे निषिद्ध है सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि दर्शन माना, दर्शन मतलब भोग्य दर्शन नहीं है, With enjoying mood, ये भोगों का विचार लेकर दर्शन माना है, ऐसे दर्शन माना नहीं, दर्शन कर सकता है जैसे प्रभुपाद जी भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सिया है, सारे भगवान का सेवा का समान प्रभुपाद जी ने वैष्णव के इसमें लिखा, क्या लिखा ना, कामिनीर काम नहित अवधाम तहार मालिक केवल यादव लिखा है ना,
कामिनी का जो काम है तुम्हारा भोगने का चीज नहीं है। कामिनीर काम नहीं तो बोधा ताहर मालिक केवल जादव, केवल कृष्ण कर सकता है। क्यों? कृष्ण इज द एब्सोल्यूट एंजॉयर, एट द सेम टाइम कृष्ण कैन रिजर्व एब्सोल्यूट डिटैचमेंट। एब्सोल्यूट डिटैचमेंट ऐश्वर्यस्य समग्रस्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य है ना, ये जो श्लोक है हमने अक्सर बताता, ऐश्वर्य च समग्र सवीर्यस्य जसस्य श्रीय है, ये जो श्लोक है इसके द्वारा ज्ञान वैराग्य सर्व इति भव इंगान, ये छह किस्म का सारे कंप्लीट कंप्लीट एब्सोल्युटली कंप्लीट भगवान का अंदर में है। तो भगवान को अगर एब्सोल्यूट एंजॉयर माना जाए तो भगवान के ये मानना भी जरूरी है, भगवान का अंदर में एब्सोल्यूट डिटैचमेंट है, ये भी गप नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिखाया, कितना डिटैचमेंट मतलब कोई आकर्षण नहीं है। हमारा गौड़ीय दर्शन में अटैचमेंट डिटैचमेंट का कोई सवाल नहीं है, फिर भी हमने बताया यहां युक्त वैराग्य का, कोई विषय को सब फेंक दे या विषय का वो और आकर्षण है, ये दोनों ही बात है, ये दोनों में एक भी नहीं चलेगी। क्योंकि आकर्षण किसी भोग्य वस्तु में भोग करने के लिए वासना, और वैराग्य और डिटैचमेंट दोनों ही भक्ति का खिलाफ है। इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहते थे जो जिसका अंदर में युक्त वैराग्य है, नॉनिर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिरो, ये बोलते थे प्रभुपाद, अक्सर ये विचार बताते थे। तो अभी प्रश्न है, ये चैतन्य महाप्रभु का खुद का शिक्षा, महाप्रभु जी ने स्वयं सिखाया कैसे सावधान रहना चाहिए, तमाम दुनिया को शिक्षा दिखाने के लिए महाप्रभु जी ने ये लीला दिखाया। क्या? निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं पौरं जीगमीश भवसागरस्य संदर्शनम विषयनम अथो जशितानंच हा हंतो विषभक्षणो तुभाषादि, ये स्वयं महाप्रभु जी ने बताया। जो व्यक्ति संसार सागर पार करके निष्किंचनस्य, और निष्किंचन शब्दों का द्वारा यह अर्थ होता है उसका पास कोई पैसा नहीं है, टूटा हुआ कपड़ा है, ये निष्किंचन नहीं है। निष्किंचन शब्दों का माने है जिसका जीवन जिंदगी में भगवान छोड़ के दूसरा कोई संपत्ति है नहीं, ये निष्किंचन भाव का व्याख्या है। हो सके तो काल चर्चा करेंगे और खुल्ला में खुल्ला। तो निष्किंचनस्य दोज हु आर इंटरेस्टेड टू डू कृष्ण सेवा इन लोकली, निष्किंचनस्य क्योंकि कृष्ण निष्किंचन स्वयं है, और निष्किंचन व्यक्ति उसको भजन करे, इसमें क्या खराबी है? नारायण तो निष्किंचन नहीं है, कृष्ण निष्किंचन खुद बताया, अहम निष्किंचन निष्किंचन जनय प्रिय, भगवान श्री ने खुद बताया रुक्मिणी देवी, हम निष्किंचन है तो निष्किंचन भक्त हमको प्यार करता, हम भी उसको प्यार करता, आपस का मामला है। तो निष्किंचन से भगवत भजन उन्मुखस्य है, निष्किंचन से भगवत भजन उन्मुखस्य, भगवत भजन ये उन्मुख है, भगवान का नित्य सेवा प्राप्ति करने के जो फैसला कर लिया अपना जिंदगी में, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्व, और पारंग पारंग जीगम मीश भवसागरस्व, जो भवसागर अनायास चुटकी लगा के पार होना चाहता है, ये लोगों के लिए राज दर्शन और स्त्री दर्शन सख्त माना है, ये लोगों के लिए राज दर्शन और स्त्री दर्शन सख्त माना है। क्यों? बोले ये दर्शन अगर हो जाए इसका पहले क्यों ना जहर खा के मर जाए, महाप्रभु जी ने बताया। निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारंग पारंग जीगमीश भवसागरस्य संदर्शनन,
संदर्शनम विषयनम अथो जशितानंच हा हंतो हा हंतो विष भक्षण त्युभ्यस हा एलास ओ माय गॉड विष खाने से भी डेंजरस है, महाप्रभु जी ने बताया। तो इसी विचार दिखाया महाप्रभु जी ने। कितना सारे भक्त लोग बोला महाराज महाप्रभु प्लीज एनो दया करके राजा को दर्शन, बड़ा भक्त है राय रामानंदो सर्वोम भट्टाचार्य जो हैं सब बड़े बड़े जिसका बात महाप्रभु टाल नहीं सकता। इन सभी भक्तों ने यहां तक कि नित्यानंद प्रभु फाइनली बोला, कौन बोला है आपको राजा का साथ मिलने के लिए? मैं इतना कह रहा हूं कि जो अनुरागी जन जिसका अंदर में इतना अनुराग, वो अपना इष्ट वस्तु को नहीं पाने से मरना चाहता है, बस इतना ही कहना चाहता हूं। मतलब नित्यानंद वो बहुत चतुर है, प्रभु को बल कौन बोला है तुमको राजा का साथ मिलो? हमने बोला है क्या? कोई नहीं बोला। लेकिन राजा का जो इतना तुम्हारा ऊपर प्यार है, इसको सुनाना चाह, बस आपका इच्छा। अंतिम में महाप्रभु जी ने बताए, आप लोगों का कहने से राजा का साथ मैं मिलने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर दामोदर पंडित अगर कहे तो मैं जाके राजा का साथ मिलूं। पहले तो महाप्रभु गुस्से में आकर कह दिया, हाँ हाँ ठीक है, आप लोगों का विचार है, चलो मेरे को लेके चलो कटक में राजा का साथ मिलाने के लिए, इसीलिए तो संन्यास लिया। अब महाप्रभु का विचार हो रहा है। महाप्रभु बोल रहे, अगर दामोदर कहे तो मैं मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोगों का कहने से हम मिलेंगे। दामोदर कह रहे, मैं कौन होता हूं आपको निर्देश आदेश करने के लिए? मैं कौन होता हूं? ये क्षुद्र जीवात्मा हूं मैं कौन हो तो मैं कौन हूं जो आपके आदेश देने के लिए खड़ा? आप कह रहे हो ये भी मैं भविष्यवाणी करके रखता हूं, भविष्यवाणी कर दिया किसने? किसने? दामोदर पंडित ने। आप स्नेह सेवा का वश है, आप स्नेहमय सेवा का, आंतरिक सेवा का वशीभूत है, और राजा आपको प्यार करता है। तो एक दिन ना एक दिन अति शीघ्र, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परशु, शीघ्र हम लोग सब देखेंगे, आप राजा को कृपा करोगे, देखेंगे। इसका बावजूद महाप्रभु जी ने राजा का एक सेवा दर्शन की, सेवा का मोठ। वो क्या है? राजा राज सिंहासन में बैठने वाला है, वो थोड़ी झाड़ूदार है। ये झाड़ूदार है क्या? झाड़ूदार नहीं है, लेकिन राजा का झाड़ूदार झाड़ू लगाने का सेवा देखा है। सोने का ये जो झाड़ू है ये लेके रास्ता को झाड़ू लगा रहा है, और चंदन के साथ सुगंधी ये जो पानी है इसका छिटका दे रहा है रास्ते में, क्योंकि जगन्नाथ जाने वाला है, जगन्नाथ जाएगा। तो ये सेवा देखकर महाप्रभु का अंदर में बड़ा आनंद हुआ, और आगे चल के इसी जो सेवा है, हमारा जगन्नाथ हमारा प्रभु, ये विचार करके अपना मान इज्जत का कोई सवाल नहीं है, ये प्रभु का सेवा करना, प्रभु को रिझाना सबसे बड़ा बात है। इसी विचार को लेकर जो सेवा की, आगे चलकर भक्तों का इच्छा के अनुसार नित्यानंद, क्योंकि भक्तों लोग महाप्रभु से भी ज्यादा करुणामय, जो महाप्रभु कर नहीं सकता भक्तों लोग करके दिखाता है। सर्वम भट्टाचार्य जो काशी मिश्रो सब बड़े बड़े सब बोला, आपको बेफिक्र रहो, आप बेफिक्र रहो, प्रभु आपको दर्शन देने के लिए तरस रहा है, देगा ही देगा। नहीं तो प्रभु ऐसे गुस्सा हो गया, क्योंकि नित्य करते करते रथ यात्रा में और महाप्रभु डिसबैलेंस होकर राजा को ऊपर गया, और जब देखे राजा छी क्या कर दिया, नित्यानंद मेरा पास नहीं था, अपना धुन में था, और बाकी सब भक्त लोग क्या कर रहा है,
मैंने देखो देखो राजा का विशेष पर छी 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 मेरा विशेष स्पर्श हो गया। और राजा ने घबरा गया। राजा बोले ये देखो आपने कह रहा था ये देखो महाप्रभु गुस्सा हो गया। नहीं 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 ओहो महाप्रभु बिल्कुल नहीं गुस्सा हुआ। तो क्या बोले बोले अपना जनों को स्वभक्तेभ्यो शुद्धम निज भजन मुद्राम उपदिशन सचैतन्य किंग में पुनरपिदीश्वर यस्वती पदम। अपना भक्तों को दिखाने के लिए कैसा आचरण होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं है आपका ऊपर देखना कृपा करेगा। आगे चल के देखिए महाप्रभु बलगंडी सब पहुंचे बल्लभ उद्यान में विश्राम की और हमारा ये राजा अपना राजवेश बदल करके एकदम सामान्य वेश धारण करके दीनहीन निष्किंचन का माफिक भक्तों लोगों को लाभ जाए कुछ तो गड़बड़ी नहीं होने वाला। नहीं 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 तुम जाओ साहस करके जाओ अभी बहुत विश्राम ले रहा है शीतल बिको नित्य कीर्तन किया है विश्राम ले रहा है अब जाके आपका चरण पकड़ो और मैसेज करो। और ये श्लोक ये जो गोपी गीता का रास पंचोध्याय से पाठ कर हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम ये जो है ये पाठ कर। आज सचमुच महाप्रभु जी ने बोला कौन हो आप आके अमृत दे रहे हो मेरा पास तो कुछ नहीं है मैं आलिंगन दे रहा हूं और आलिंगन देने का साथ साथ सरभुज मूर्ति का दर्शन दिखाया और कानों में बताया किसी को बोलना नहीं कि मैंने दर्शन दिया। मतलब अंदर में महाप्रभु का उसका जो सेवा का भाव है ये देखकर करुणा कृपा तो कृपा कैसे आता है देखो अहेतु की कृपा कर दिया ना जगन्नाथ के लिए सेवा का भाव ये अहेतु की कृपा कर दिया इसका नाम है। अहेतु की मतलब ये नहीं आसमान से टपकते रहेगा ठाप 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 करके कृपा हम लेते रहेंगे रसगुल्ला का माफी ऐसा नहीं। यहां तक कि किसी वैष्णव ने मेरा मात किसी वैष्णव ने किसी का सर पर हाथ रख दिया महाराज मेरे को मेरा सर पे थोड़ा हाथ रखो मेरा सर पे थोड़ा हाथ रखो आप कृपा करो अब बोल ऐसा बोलने से भी कृपा नहीं हो सकता क्योंकि भक्ति देवी स्वतंत्र। कृपा मतलब क्या है जोर जबरदस्ती अगर गुरु वैष्णव से कृपा लेना चाहे फिर भी नहीं आ सकता और बिना मांगे भी आ सकता है क्योंकि भक्ति स्वतंत्र। जब सेवा करने का बिल्कुल पॉजिटिव मूड है इसका भगवान का सेवा का और अगर विष्णु तत्व का भी पकड़ो तो ठीक है एप्लीकेबल फॉर राम निशिंगो बड़ा हो सब अगर विष्णु पकड़ो और गौड़ीय वैष्णव के कृष्ण पकड़ो तो ठीक है ओ मतलब कृष्ण ये तो लिखा हुआ है ओम शब्दों का एनालिटिकल जो एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है अ उ और म इसका व्याख्या तो क्यों ना इसका इस व्याख्या को समझे। तो मतलब है अहेतुकी के मतलब मध्यम अधिकारी कोई वैष्णव जो प्रेम मैत्री कीपोपेक्षा ये बाहरी दृष्टि में वैष्णव का तो कोई दोष दर्शन नहीं है फिर भी इच्छा करके महाप्रभु भगवान मध्यम अधिकारी व्यक्ति का हृदय में ऐसा प्रेरणा के प्रेम मैत्री कीपोपेक्षा इन लोगों का आचरण में एक्टिविटीज में चार विचार चलता है प्रेम मैत्री की अपेक्षा ये मध्यम अधिकारी का तो कनिष्ठ अधिकारी के द्वारा होता नहीं और उत्तम अधिकारी प्रचार क्यों करे तो डूबे हुए ये तो रस में डूबे हुए है तो इच्छा करके पोपात रस में डूबे हुए है भक्ति में ठाकुर रस में डूबे हुए है इच्छा करके मध्यम अधिकारी जैसा श्री दुर्ग सिंह महाराज कैसे इच्छा करके बद्ध जीवों को बचाने की। और इसीलिए भागवत में भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है जनोस्व कृष्णाद विमुखस्व दैवाद अधर्म शीलस्व सुदुखितस्व अनुग्रहाये हो चरंति नूनम भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्व जनोस्व कृष्णाद विमुखस्व दैवाद
अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुगृहाये हो चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो जो भी है गलत समझने का कोई रास्ता नहीं है। ये सारे विचार बना के बैलेंस करके, मतलब भगवान का जो निजी जन गौरंग महाप्रभु का आदेश का द्वारा प्रेरित होकर अहेतु की कृपा वितरण करने के लिए जन समाज में देख रहे हैं किसका अंदर में ऐसा है, उसको सेवा में लगा। तो एक साल का जो विचार वाला बात है, ऑल एप्लीकेबल फॉर अदर गुरुज। महाप्रभु का डायरेक्ट आदेश के द्वारा हमारा उड़िया समाज में हमारा गुरु वर्ग अगर कुछ किया है, वो भी सकता बाद में छोड़ दिया भजन, तो लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगले जन्म में इसको बाल पकड़ के उतार देगा। जैसे नरोत्तम ठाकुर कीर्तन करता है, पुनो जदि केशे धरी टानुआ तोलोह बोझो पारे तबे से देखिए भालो नतुबा पौराण गेलो कहे दिनो नरोत्तम दास। वांछा कल्पतरुष्य के पासेन्दु व्यवस्था पतिधान पावन भो वैष्णव भ्यो नमः।